आओ सुनाओ आपको एक कहानी। आओ, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनुइट लोग कौन थे और किस तरह से अपना जीवन जीते थे। पिछले एपिसोड के अंत में उकालिक के पिता, भाई और कुछ लोग शिकार पर निकल पड़े थे और उनका मकसद था कैरिबू का शिकार करना। कैरिबू आप लोगों को पिछले एपिसोड में मैंने बताया था लंबे सिंग वाले जानवर हुआ करते थे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन किसका शिकार करता है। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ, सॉरी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। तो अब उकालिक के पिता और भाई और साथ ही कुछ लोग शिकार पर निकल पड़ते हैं। शिकार बहुत ही महत्वपूर्ण था उन लोगों के लिए क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध उनके भोजन से होता था जो कि कड़ाके की सर्दियों में उनके काम आने वाला था। और ये सब बस भोजन के लिए नहीं था, उन्हें कैरिबू से काफ़ी कुछ मिल जाया करता था। उन्हें इनके स्किन से गर्म कपड़े मिल जाया करते थे, नए टेंट भी मिल जाया करते थे कैरिबू के, मतलब वो लोग बना लेते थे। कैरिबू की हड्डियाँ भी सर्दियों में बर्फ निकालने के काम आती थी। कैरिबू के टेंडन्स भी बड़े काम आते थे। टेंडन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जो कि मसल्स को हड्डी से जोड़ता है। आप लोगों को तो पता ही होगा। अरे पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। हम तो जानते भी नहीं, दुनिया नहीं जानती। इसलिए उकालिक भी अपने पिता और भाई का इंतजार कर रही थी क्योंकि वह भी कैरिबू के शिकार का महत्व जानती थी। लेकिन शिकारी उस दिन ही गए थे जब एक बड़ा तूफान आया था। गाँव वाले शिकारियों के लिए चिंतित थे। गाँव वाले सोच रहे थे कि क्या वे इस भयानक मौसम में जमी हुई बर्फ में अपने घर का रास्ता खोज पाएंगे। सिंपल सी बात है बिल्कुल। उस समय जगह जगह पे घर या रोड तो होता नहीं था, पूरा पूरा मैदान ही हुआ करता था। और ऊपर से भयंकर मौसम, पूरा मैदान बर्फ से ढका हुआ, जहाँ देखो सब जगह सेम ही दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे हालात में वो शिकारी लोग जो शिकार करने गए थे अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढ पाएंगे, है ना? यही स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे हर दिन उकालिक अपने पिता और भाइयों को देखने की उम्मीद में इंतजार करती रहती थी, लेकिन इसके बजाय उसे केवल पत्थरों के ढेर दिखाई देते थे। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने अपने छोटे भाइयों और बहनों को बुलाया और कहा, मैंने जो पत्थर के लोग बनाए हैं वे हमारे भाइयों और पिता को तूफान में घर खोजने में मदद करेंगे। तो उकालिक और अन्य बच्चों ने पत्थर की आकृतियों को ऐसे व्यवस्थित किया ताकि एक पत्थर का इंसान दूसरे पत्थर की ओर इशारा कर रहा हो और दूसरा तीसरा की ओर, तीसरा चौथा की ओर, इस तरह से इशारा करते करते वो रास्ता बता रहा हो, ठीक है? अरे पुराने जमाने वाले मूवी में ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, कोई एक लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को गिफ्ट देना चाहती हो, लव लेटर देना चाहती हो, तो वो एक एरो का निशान बना देते हैं जो दूसरे एरो की ओर पॉइंट कर रहा होता है और दूसरा एरो तीसरे एरो की ओर पॉइंट कर रहा होता है और इसी तरह चौथा एरो, पांचवा एरो, छठा एरो और फाइनली वो अपने पते पर पहुंच जाता है। तो सेम आइडिया उकालिक को भी आया और वो अप्लाई कर दी। अंत में एक सुबह उसने एक आवाज सुनी। उकालिक, तुम्हारे दोस्त ने मुझे घर का रास्ता दिखाया। यह उसके पिता की आवाज थी, मतलब कि जो लोग शिकार पर गए थे उकालिक की आइडिया के वजह से वो घर वापस आ गए थे। लेकिन 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 वो लोग खाली हाथ आए थे, उन्हें कोई कैरिबू नहीं मिला। तो अब फिर एक सवाल आता है, ग्रामीण सर्दियों में कैसे गुजारा करेंगे? शिकार तो कर नहीं पाए बेचारे, तो खाएंगे क्या? अभी बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। इससे पहले कि उकालिक को चिंता होने लगे कोई चिल्लाया, देखो वह एक कैरिबू का झुंड था। मतलब शिकार खुद शिकारी के पास चल के आया था, ठीक है? कैरिबू का झुंड खुद चल के आ गया शिकारी के पास हलाल होने के लिए। और मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी गुप्तगु करनी थी। मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि पिछले एपिसोड में मैंने एक दो प्लेस पे उकालिक के जगह इनुकसुक बोल दिया था, ठीक है, गलती से। पर मैं जानता हूँ आप लोग बड़े समझदार हो, आप लोग का दिमाग ऑटो करेक्ट कर लेता है, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं अगर आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ हो तो। उकालिक उस नन्ही लड़की का नाम है और इनुकसुक उसके द्वारा बनाए गए पत्थर दोस्त का नाम है, जो कि आगे पता चलेगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक झुंड ऑफ कैरिबू खुद चलकर आया था शिकारियों के पास हलाल होने, और उसका भी एक रीजन था उकालिक की बनाई हुई पत्थर की आकृति, जो कि अब गांव वालों ने भी फॉलो करना शुरू कर दी थी, मतलब गांव में भी फॉलो होने लगा था। और इसी पत्थर की आकृतियों की वजह से कैरिबू भी अट्रैक्ट हो गए थे। और रही बात शिकारियों की, मतलब गांव वालों की, तो वे केवल उतना ही शिकार करते थे जितनी उन्हें ज़रूरत थी और बाकी जानवरों को छोड़ देते थे। मतलब वो झुंड ऑफ कैरिबू जो चलकर आया था उनके पास खुद, वो उनमें से उतना ही शिकार किए जितनी की उन्हें ज़रूरत थी, बाकियों को उन्होंने फ्री छोड़ दिया। बड़े अच्छे लोग थे यार। सही बात है। तो हर कोई अब खुश था। शिकारी लोग गांव में सुरक्षित थे और आने वाले लंबे ठंडे दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। हंसी, गीत और भोजन से भरी एक और सर्दी बीत गई और उकालिक के पत्थर के लोग, पत्थर की बनाई हुई आकृतियां
अब इनुकसुक के नाम से जाना जाने लगा। यही मैं बता रहा था कि वो जो पत्थर के दोस्त थे उकालिक के, इनुकसुक के नाम से जाना जाने लगे। और जो उकालिक थी वो एक नन्ही लड़की थी, तो जो उकालिक के पत्थर के लोग, पत्थर की बनाई हुई आकृतियां थी, अब इनुकसुक के नाम से जानी जाने लगी, जिसका अर्थ होता था मनुष्य की छवि में, मतलब इन द इमेज ऑफ मैन अगर इंग्लिश में बोला जाए तो। और बहुत सारे इनुकसुक को इनुकसुट बोला गया, मतलब जो इनुकसुक था वो सिंगुलर था और इनुकसुट प्लूरल था, मतलब एक पत्थर की आकृति मतलब इनुकसुक और बहुत सारे पत्थरों की आकृति मतलब इनुकसुट। ठीक है, जैसे जैसे उकालिक बड़ी होती गई, उकालिक ने अपना इनुकसुट बनाना जारी रखा और बाकी सारे गांव वाले अन्य लोग भी शामिल हो गए उस इनुकसुट का, सॉरी उकालिक का इनुकसुट बनाने में साथ देने के लिए। समय के साथ इनुकसुट एक बड़े पैमाने पर नॉर्थ तक फैल चुका था। कुछ इनुकसुट तो डेंजरस का सिंबल बता रहे थे, मतलब कुछ इनुकसुट तो खतरे का संकेत दे रहे थे, मतलब आगे मत जाओ अगर खतरा है, इस तरह का एक जैसे अभी के समय में एक डेंजर बोर्ड लगा हुआ रहता है, आपने KGF में देखा होगा, उसी तरह से कुछ इनुकसुक तो खतरे का संकेत दे रहे थे, कुछ इनुकसुट मंजिल का रास्ता बता रहे थे, ठीक है, और कुछ कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ शिकार करना है और कहाँ अपना भोजन रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यात्रियों को बता रहे थे। इनुकसुट को डिस्क्राइब करता हुआ एक सॉन्ग भी तैयार किया गया, जो कि ट्रैवलर्स टू ट्रैवलर्स सब तक पहुंच गया। सारे ट्रैवलर्स को सॉन्ग के बारे में पता था, जिससे कि वो सुनकर गाकर अपना रास्ता पहचान सकते थे इनुकसुट के जरिए। आज भी इनुकसुट महान राजमार्गों पर यात्रियों का अभिनंदन करता है। वे मानव और पशु, स्थान और लोगों के बीच एक संदेश लेकर चलते हैं, या इनुकसुट एक संदेश देता है कि प्रकृति का हिस्सा होने वाले सभी की उपस्थितियों में आप अकेले नहीं है, ठीक है, सब में सबका हक है। और ये इनुकसुट इस तरह का संकेत देता है कि प्रकृति में सब बराबर हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, कैसे अपना रास्ता ढूंढना है, ये सारी चीज़ों से अभी भी इनुकसुट बताया करता है। ठीक है, आप लोगों को अभी भी बहुत सारी जगहों पर इनुकसुट मिल जाएगा, आप लोग गूगल पर भी टैप करोगे, या मैंने एपिसोड में फिगर्स तो आप लोगों को दिखा ही दिया है कि किस तरह से इनुकसुट दिखा करता है। और अगर आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो वो अगले पार्ट में आ रहा होगा। ये दो पार्ट में पूरी स्टोरी हम लोगों ने कवर कर ली, अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर, इसका समरी, कुल मिलाकर आप लोगों को इंग्लिश का सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप लोग बस यहाँ ध्यान से देखते जाओ और प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, तो आप लोगों की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी।